तो भाई ऑफिशियली मैं आ चुका हूँ वियतनाम में और कुछ भी नहीं, सवाल बवाल कुछ नहीं, बस वो 50,000 कीप मांगा। आई रिमाइंड यू ओके, बाय बाय फ्रांसिस का। भाई लाओ का एग्जिट स्टंप लग गया और कुछ भी नहीं पूछा, कोई भी सवाल जवाब नहीं बस। हालांकि मेरा 4-5 घंटा में इल्लीगली स्टे हो गया। थैंक यू सो मच फॉर इंटरनेट। ओके, तो ये भाई था वियतनाम से, बहुत अच्छा बंदा दानंग का, इसने इंटरनेट दिया। तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ ट्रैवलिंग हिंदी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है भाई कि आज हर कोई अपने अपनी जगह जा रहा है। मुझे जाना आज वियतनाम, जो कि मेरी बस है 1 बजे, और ये लोग तीनों जाएंगे। देखो बैग पैकिंग रेडी है, ये लोग तीनों जाएंगे लॉन्ग परबांग। तो इन लोगों का सुबह सुबह 10 बजे ट्रेन है, तो ये लोग निकलेगी अभी, बज रहा है 9, मैं फिर निकलूँगा। बस है मेरी 1 बजे, जो कि लगभग 24 घंटा लगेगा। और अभी वियतनाम का सिचुएशन ठीक नहीं, लेकिन मेरे पास वीज़ा है, ऐसा अभी क्या कर सकते हैं। तो मैं निकलूँगा वियतनाम, ये लोग निकलेंगे लॉन्ग परमांग। सेंड मी हिज फोन नंबर। ओके, आई सेंड यू, यू सेंड मी ऑल फोटोज एंड वीडियोज। आई रिमाइंड यू ओके, बाय बाय फ्रांसिस का। Thank you for everything. You are safe traveling. Really? Yeah, okay, have a safe, enjoy, have fun. Save journey. Yeah, I go to Vietnam. I don't have any option. I have to go Vietnam. No, I don't have any option. I have to go to Nam because this train is going China. Okay, tuk tuk, bye bye, bye bye, take care. तो चलो यार, ये लोग तो निकल गए, खूब चाय लगा। तो चलो अब मैं करूँगा पैकिंग और मेरा बस 1 बजे, तो मैं निकलूँगा यहाँ से बाकी। तो चलो यार, सब जाने के बाद हमने किया भैया बैग पैकिंग, नहा धोवा के खाना पीना खा के कंप्लीट है ये अपना बैग, और इंतज़ार कर रहे अपने वैन का, जो यहाँ से वैन तेने ले जाएगी। अब फिर वहाँ से कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट मेन बस स्टेशन पर ले जाएगा, और फिर वहाँ से मेन बस जो जाएगी दनांग तक। तो कितने का टिकट पड़ा, क्या है, एक बार बस पकड़ के, टुकटुक पकड़ के वियतनाम चलते हैं, बताते हैं आपको। और वियतनाम वीज़ा के बारे में भी बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, डिफ़िकल्ट है, इजी है। आ चुकी है हमारी बहन भैया, बच गए हैं 2, और देखते हैं थोड़ा। मेरा यहाँ लाओस का वीज़ा का भी प्रॉब्लम है, सब बताऊँगा एक बार। एक बार मैं क्रॉस कर जाऊँ लाओस बॉर्डर और वियतनाम, फिर मैं बताऊँगा आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो भाई बहन ने भाई से मिले, ये मुझे चाइनीज़ फूड पकड़ा। थैंक यू सर। सी मैं भी शापानी तो हाँ। ओके चलो, यहाँ से 1 घंटा लगभग 25 मिनट 30 मिनट या 2 घंटा लगभग लगेगा, निकलते हैं। और ये रहा कुछ मिनी बस, ऐसे रहता है। बड़ा अजब सिस्टम है, ये टिकट काटा है और ये मुझे यहाँ ड्रॉप किया। अभी कहाँ जाने को बोल रहा मुझे कुछ भी नहीं पता है। Okay, we are go and just show yes. the ticket and they can understand, right? You yeah. Okay. तो चलो भाई, ये उतार दिया, बोलो उस होटल में जाओ और ये दिखाना, वो टिकट देंगे, देखते हैं। तो यार, अगर आप वैन बैंक से जा रहे हो दना, तो सबसे पहले तो आपको वैन तेने आना होगा और वो वैन वाले लोग आपको वहाँ पे उतार देंगे। ममोरी होटल के पास आना पड़ेगा, इन लोगों का पता नहीं क्या कनेक्शन है, नहीं है, ठीक है। अब जो भी है उसको दिखाया तो बोला ठीक है, वेट करो, यहाँ से ले जाएगा ये लोग बस स्टेशन। तो यार हनोई दंगांग के लिए आ गया है। बहुत अजीब सिस्टम है यार, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। चलो मैं तो यहाँ से जाऊँगा दनांग। तो फाइनली आके बस स्टेशन पे पहुँचे हैं, और यार ऐसा ट्रैफिक था आज, पता नहीं क्या, और लगभग ज़्यादा 20 मिनट बचा हुआ है, और सिटी से कितना दूर है ये पता नहीं, इतना ट्रैफिक था। मैं भी 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर। तो कुछ इस तरह है वियतनाम का बस स्टेशन। और यहाँ से ये खासियत है ना कि 5 बस खुलती है वियतनाम के लिए, और 5 बस का टाइमिंग है इवनिंग में 6 PM, मॉर्निंग में कोई बस ही नहीं है दानांग। तो भाई ये बस है, 6:05 हो रहा है, 6:15 पे छोड़ेगा सारा, बस यहाँ से 6 बजे खुल जाता है। आप कहीं भी जाना है तो यहाँ 5 बजे आ जाना, आप डायरेक्ट आके भी टिकट खरीद सकते हो। और यहाँ से टिकट आप खरीदोगे तो 7,50,000 है, और मैंने वहाँ से ख़रीदा है तो मुझे पड़ा 9,00,000 रुपया। तो ठीक है, अभी यहाँ महंगा है तो कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि भाई लैंग्वेज समझ में नहीं आता, इंटरनेट बिल्कुल रखना, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि बहुत पुराना बस है,
तो कुछ कर नहीं सकते अभी, मतलब नहीं है कुछ करके। चलो जो भी ऑप्शन है जाना है, और ये जाती है बाया लाओबाओ बॉर्डर, क्योंकि वीज़ा एंट्री जो रहता है ना वियतनाम का बहुत लोचा है, मैं डिटेल में बात करूँगा। आपको एंट्री पॉइंट डालना होगा, उसी एंट्री से जाना होगा। तो ये जाएगी लाओबाओ बॉर्डर, पहले वहाँ से इमिग्रेशन होगा, फिर हम जाएंगे दाना। अच्छा है कि पिछली बार की तरह नहीं है कि रैंडम सीट पर कोई भी सोए, तो ये चीज़ अच्छा है कि सिंगल सिंगल सीट है। सब की बात ये लग रही है कि इतने बड़े बस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पता नहीं, शायद ज़्यादातर लोग हनोई जाते हैं और मैं जा रहा हूँ दनांग, इसकी वजह से मैं भी हो सकता है। तो यार ये बस सुबह सुबह उतार दिया है, लगभग बज रहे 6:45 बज रहे हैं। चाय, ओके। तो यार सबसे पहले ना हम नाश्ता कर लेते हैं, सुबह सुबह उठे हैं सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ये लाओबाओ बॉर्डर 6:30 खुलता है, यहाँ 6 बजे हम पहुँच गए तो नाश्ता के लिए। या तो देख सकते हो हर कोई नाश्ता कर रहे हैं यहाँ। चलो नाश्ता करने के बाद अब बारी है इमिग्रेशन की, और यहाँ कोई इंटरनेशनल बंदा नहीं दिख रहा यार। अब पता नहीं मुझे, ये इंटरनेशनल बॉर्डर तो है 101%, अब देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले लाओ इमिग्रेशन पास करेंगे, उसके बाद जाएंगे वियतनाम इमिग्रेशन। और मैंने कभी लाओ और वियतनाम का बॉर्डर कभी क्रॉस नहीं किया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। एक बार मैं क्रॉस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। तो कुछ ऐसा है बॉर्डर, ये लाओबाओ बॉर्डर है। तो भाई लाओ का एग्ज़िट स्टम्प लग गया और कुछ भी नहीं पूछा, कोई भी सवाल जवाब नहीं बस। हालांकि मेरा 4-5 घंटा मैं इल्लीगली स्टे हो गया था ना, ठीक है, मेरा समझ लो कल का ही लास्ट वीज़ा था, लेकिन 6-7 घंटा कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, स्टम्प मार दिया। अच्छा है, मुझे लगा कि कुछ फ़ाइन वाइन करेगा, ऐसा कुछ किया नहीं। तो अब जा रहे हैं हम वियतनाम बॉर्डर पर, वियतनाम के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर। आपको पैदल चल के जाना होगा, अब वहाँ से इमिग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी एक बार चेक इन करेगा कि आपका स्टम्प लगा है कि नहीं लगा। आज सामने है वियतनाम इमिग्रेशन जो दिख रहा होगा। यार ये छोटी छोटी कंट्री है, बहुत चेक इन है, कम से कम मेरा 3 बार पासपोर्ट चेक कर लिया वहाँ से एग्ज़िट होने के बाद, और अब पता नहीं फ़ाइनल है या इसके बाद भी चेकिंग करेगा। तो ई वीज़ा प्रिंट निकाल के रखना, ठीक है, आपको मोबाइल में ये लोग वैलिड नहीं करेंगे और बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ई वीज़ा आप ना प्रिंट आउट निकाल के रखना। बाकी ये रहा डिपार्टमेंट। तो भाई ऑफिशियली मैं आ चुका हूँ वियतनाम में, और कुछ भी नहीं, सवाल ववाल कुछ नहीं, बस वो 50,000 कीप मांगा, या वियतनामी डोंग दो या आप कीप दो लाओ उसका, बस यही था, कुछ भी नहीं, सिंपल सा स्टैम्प मार दिया। और बाकी चलते हैं हम अपने बस में। और वीज़ा जो था मेरा, मैं अब बता देता हूँ। देखो वहाँ से मैं बैंक से आया मैं यहाँ तक, तो मुझे 9,000 का पड़ा, जो हर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड था, कुछ भी था, और लोग पानी भी देते 2-3 बोतल, ये चीज़ था बस का। 9 लाख समझ लो, इंडिया का 9 लाख समझ लो, ठीक है, जो कि सॉरी यहाँ का 9 लाख होता है, जो कि इंडिया का लगभग 3,300 से 3,400 रुपये हो जाता है, ठीक है। वो बस का पड़ा, बहुत महंगा है, 2 डबल महंगा, कुछ कर नहीं सकते भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। ई वीज़ा लाओबाओ बॉर्डर का, तो उन्होंने लाओबाओ बॉर्डर मैंने एंट्री पॉइंट ऐड किया था, तो उन्होंने मुझे 50,000 कीप लिया, बस यही है। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि अगर आप वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करो तो 7 दिन पहले अप्लाई करना। ये वियतनाम के वीज़ा की वजह से मेरा खैर कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी 1 दिन एक्स्ट्रा जो हो गया इसकी वजह से हो गया। तो वियतनाम वीज़ा कभी भी 7 दिन पहले अप्लाई करना, सैटरडे और संडे बिल्कुल अप्लाई मत करना, फ्राइडे भी मत करना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप्लाई करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो बस यही था, वीज़ा एकदम इजी है भाई, वीज़ा पानी की तरह मिल जाता है वियतनाम का, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी अभी चलते हैं हम बस को खोजते चाहे। और सबसे बड़ी बात इन सब बॉर्डर का ये रहता है, लाओस हो, चाइना हो, वियतनाम हो, इन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आता, इंटरनेशनल से ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं ऐसा। हाँ एक बॉर्डर है जो तकलीफ़ देता है, लाओ बॉर्डर, अगर आप थाईलैंड से लाओ आओगे तो ये लोग थोड़ा तकलीफ़ देंगे, कहाँ जाओगे क्या करोगे। बाकी इधर मुझे कुछ भी नहीं पूछा कि कौन सा हॉस्टल है कौन होटल है, कुछ भी नहीं, सीधा स्टम्प मारा, 50,000 रुपया लिया, गो। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है वियतनाम का एग्जिट पॉइंट, और इधर से मेन रोड स्टार्ट होगा, इसके बाद आप जाओगे तो बसेस वगैरह लगी हुई है आपकी। तो चलो सही है, ये पूरा वियतनाम एरिया है, पूरा बॉर्डर एरिया ही है। पासपोर्ट का काम ख़त्म हो गया है वहाँ से एग्ज़िट होने के बाद, वहाँ से अगर एग्ज़िट होने के बाद यहाँ भी आपको चेक कराना पड़ेगा, तो फाइनली अब कहीं पे चेक नहीं होगा, बस में ये लोग पासपोर्ट मांगते नहीं हैं। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा यहाँ, जो कि हमारी बस आएगी। थैंक यू सो मच फॉर इंटरनेट। ओके, तो ये भाई था वियतनाम से, बहुत अच्छा बंदा दानंग का, इसने इंटरनेट दिया। थैंक यू सो मच। हाउ टू से इन थैंक यू इन वियतनाम? हाउ टू से थैंक यू इन वियतनाम? सीन कामुन। अच्छा बंदा था, इंटरनेट नहीं पड़ा मेरे पास तो इसने दिया, मतलब किसी से कॉन्टेक्ट करना है तो अच्छा बंदा था, पूरा रात मेरे पास इंटरनेट था। तो अभी बस यही हम जा रहे हैं बस एरिया में, जाके वेट करेंगे। हो गया, अब बस पकड़ेंगे, अपनी बस आ गई उस साइड।
तो बस आ गई है, बैग बहुत भारी है, मैं बैग पैक चेंज करूँगा, अपना टूट भी गया है। सवादी भाई, ये सब कुछ क्लियर हो गया यार, सच में हालत ख़राब हो जाता लैंड बॉर्डर से। मैं रिकमेंड करूँगा यार फ्लाई करो ना कि लैंड बॉर्डर यूज करो, बहुत तकलीफ है। फाइनली पहुँच चुके हैं दानंग, आप देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर है यार सिटी सेंटर तो। देखते हैं सबसे पहले कैब वगैरह देखते हैं, मोबाइल में चार्ज करें। तो भाई यहाँ बस चलती नहीं है तो कैब बुक करवा रहे हैं, और ये भाई बहुत हेल्प किया मेरा वाकई में, और किसी को इंग्लिश भी नहीं आता, इसको इंग्लिश भी आता है तो इसने बहुत हेल्प किया, अभी कैब बुक कर रहा है। एक्चुअली मैं एप्लीकेशन करके मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो ये बुक कर रहा है तो इसकी हेल्प ले लेते हैं। बहुत अच्छा बंदा था यार सही में, इंग्लिश वगैरह सब आता। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। तो हो जाते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं, बाकी किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो कोई मेरा कन्वर्सेशन कर ही नहीं रहा था। तो बस यहाँ से बुक करेंगे और जाएंगे हॉस्टल, मैंने हॉस्टल बुक किया नहीं ऑनलाइन, ऑफलाइन से महंगा होगा तो फिर ऑनलाइन मैं बुक कर लूँगा, इतना कोई टेंशन है नहीं। या ओके कैब इसको तो भाई बैठ गया कैब में यार, हेलमेट बहुत अच्छा लग रहा है यार सही है। थैंक यू पिता, ओके। तो चलो हॉस्टल में आया यार, हालत ख़राब हो गई। ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मैं चेकिंग के लिए बैठा हूँ, 10-15 मिनट बाद मुझे चेकिंग मिलेगा, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी दुआ में याद रखना, बहुत बहुत मतलब थक गया यार, बस का सोया भी नहीं प्रॉपर, वो खिल रहा था बस, ठीक है अभी जो भी जैसा था, बाकी सही है दुआ।